ऐसा माना जाता है कि रेतीला पत्थर वक्त के साथ साथ घिसता चला जाता है, लेकिन सन 1572 में बनी सीदी सईद मस्जिद की जाली और उसमें बनी नक्काशी आज तक बरकरार है। इस जाली की खासियत इसमें बनी खजूरी का पेड़ और पेड़ की डालियां है, जिसमें फल और फूल भी देखे जा सकते हैं। इन जालियों को देख लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पूरी जाली एक पत्थर से बनी है, लेकिन अलग अलग टुकड़ों पर नक्काशी करने के बाद जाली को एक किया गया है। हज़रत सीदी सईद ने उस वक्त कौन से कारीगरों के पास ये जाली बनवाई और इन टुकड़ों को किस तरह एक किया होगा, ये अपने आप में एक रहस्य है। जाली को देखकर ऐसा लगता है कि मानो पत्थर की बजाय नक्काशी किसी कपड़े पर की गई है। जाली की नक्काशी का काम इतना खास और खूबसूरत है कि जब आप इसे देखेंगे तो अपने होश खो बैठेंगे। आज जालियों को बने 445 साल से ज़्यादा अरसा होने के बावजूद ये जालियाँ आज भी शानदार हैं। इन जालियों की चौड़ाई 10 फुट और ऊंचाई 7 फुट है। आज पूरी दुनिया में सीदी सईद मस्जिद की जालियाँ मशहूर हैं। किसी भी देश के मुसाफिर जब अहमदाबाद आते हैं तो इन जाली का दीदार ज़रूर करते हैं। सीदी सईद मस्जिद की ये जाली अहमदाबाद की पहचान है। यही वजह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM ने इस जाली को अपने लोगों में यानी IIM के सिंबल में शामिल किया है। दोस्तों, ये जालियाँ जितनी शानदार और ख़ास हैं, उतना ही खास और शानदार इसका इतिहास है। तो आइए आपको ले चलता हूँ सीदी सईद मस्जिद के इतिहास में। सीदी एक फारसी अल्फाज है जिसे फारस यानी ईरान के लोग अफ्रीका के हबशियों के लिए इस्तेमाल करते थे। अहमदाबाद का इतिहास पेज नंबर 139 के मुताबिक सीदी सईद अफ्रीका देश के हबशा के रहने वाले थे। वहां से आपने यमन का रुख किया और तुर्की फौज में शामिल हुए। बाद में सीदी सईद मुस्तफ़ा रूमी खां के साथ गुजरात आ गए। रूमी खां के वापस जाने के बाद सीदी सईद सुल्तान सादुद्दीन महमूद शाह की सल्तनत के नौकरों में शामिल हो गए और कुछ ही वक्त में सुल्तान के भरोसेमंद मुहाफिजों की फहरिस्त में आपका शुमार हो गया। इस वजह से आपको सीदी सईद सुल्तानी का खिताब मिला। सुल्तान सादुद्दीन महमूद शाह की शहादत के बाद सीदी सईद ने सीदी सरदार जुजार खान का साथ अपनाया। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि जुजार खान ने 50 लाख टंका की इनकम वाले कुछ गांव सीदी सईद को दिए और आपके लिए अलग वजीफे भी मुकर्रर किए। सीदी सईद की जिंदगी बहुत ही पाक थी। आपने अपनी दौलत का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम पर करने की बजाय गरीबों और गुलामों पर खर्च कर दी। जफरुल वाले ग्रंथ 2 के मुताबिक आपने एक लंगर खाना शुरू करवाया जहां हमेशा गरीबों और बेघर लोगों को खाना खिलाया जाता था। फकीरों और गुजराती भद्र लोगों के लिए भी अलग से 20 मन खाना बनाया जाता था। आपने आलिमों से इल्म हासिल किया और इसी इल्म हासिल करने के जज्बे की वजह से इल्मेदीन शेख हमीद बिन काजी अब्दुल्ला सिंधी ने जामे हमीदी नाम की किताब सीदी सईद को इनायत की और किताब का नाम नामे सईदी फी तबवीबिल हमीदी रखा। सीदी सईद के घर के पास ईंटों से बनी एक पुरानी मस्जिद थी जिसे एक मजजूब यानी अल्लाह वाले ने बनवाना शुरू किया। उनका नाम शेख अब्बास था। कुछ वक्त के बाद ही शेख अब्बास की वफात हो गई और आपको इसी मस्जिद में दफन किया गया। शेख अब्बास के बाद सीदी सईद इस मस्जिद के मुतवल्ली बने और इस मस्जिद को तामीर करवाने लगे। सीदी सईद ने मस्जिद के आसपास की ज़मीन को खरीद कर उसे मस्जिद का हिस्सा बनाया, पिल्लरों को मजबूत बनाकर मस्जिद की ऊंचाई को बढ़ाया, मस्जिद की खूबसूरती में चार चांद लगाती जालियां बनवाई। इस बीच कुछ लोगों में आपकी दिलदारी और सखावत देखी ना गई और झूठी तोहमत लगाकर सीदी सईद और जुजार खान के बीच रंजिश करवा दी, जिस वजह से जुजार खान ने सीदी सईद से सारी रियासत वापस ले ली, जिससे मस्जिद का काम और जाली का काम अधूरा रह गया। लेकिन बाद में उलूक खान ने आपको अपना वकील बना लिया और जुजार खान से भी ज़्यादा रियासत आपको अता की।
लेकिन सन 1573 में मुगल शहनशाह अकबर ने गुजरात पर फतेह हासिल की और उलुग खान की सारी जागीर जब्त हो गई। सिदी सईद बहुत ही सखी थे। आपकी सखावत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप जब हज करने मक्का मुकर्रमा जा रहे थे तो अपने पानी के जहाज़ में अपने साथ एक जमात को भी साथ ले गए थे। इसके बाद मुगल शहनशाह अकबर ने फतेह अहमदाबाद के 3 साल के बाद सिदी सईद को अमीर हज बनाकर भेजा और हज से वापस आने के बाद 3 सवाल हिजरी सन 984 और 24 दिसंबर 1576 को आपकी वफात हुई। आपकी बनवाई मस्जिद में ही आपको दफन किया गया। आज इस मस्जिद में सामने की तरफ 4 जालियां हैं और बीच में कोई जाली नहीं है। इससे लोगों में ये बात फैल गई कि अंग्रेजी हुकूमत में बीच वाली जाली अंग्रेज अपने साथ लंदन ले गए। और दूसरी बात ये कि इस मस्जिद के मुतवली ने ये जाली किसी अमेरिकन को बेच दी, लेकिन ये दोनों ही बातों में कोई सच्चाई नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि सिदी सईद की अचानक वफात से इस मस्जिद का काम रुक गया। इसी वजह से बीच वाली जाली और मस्जिद की राइट साइड की 3 जालियां नहीं बन पाईं। वह 3 जाली की जगह आज भी खाली है। अहमदाबाद का इतिहास पेज नंबर 144 के मुताबिक मुगल दौर के बाद मराठा और अंग्रेजों की शुरुआती हुकूमत में इस मस्जिद की खूबसूरती को काफी नुकसान पहुंचा। अंग्रेजों ने इसे लावारिस समझकर इसे सरकारी ऑफिस बना दिया, जो काफ़ी वक्त तक इसी हालत में रही। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत में लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय बनकर हिंदुस्तान आए। लॉर्ड कर्जन को पुरातन इमारतों में बहुत दिलचस्पी थी, जिसके तहत उन्होंने सिदी सईद मस्जिद में से सरकारी ऑफिस को खाली करवाया। आज ये मस्जिद अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी के पास है। यहाँ 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है। अहमदाबाद की शान ये मस्जिद और इसकी बेशकीमती जालियों को देखने लोगों का तांता लगा रहता है। आप भी यहाँ ज़रूर जाइए और इस खूबसूरत मस्जिद व जाली को देखने का शर्फ हासिल कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। YouTube पे मेरी चैनल का नाम है मोहसिन अली वारसी। शुक्रिया।